गुड मॉर्निंग क्लास 11 बायोलॉजी स्टूडेंट्स. सो हाउ वॉज योर हॉलीडेज? आई थिंक इट वॉज वेरी गुड. योर समर वेकेशंस यू हैव एन्जॉयड अलॉट. सो नाउ दिस इज द टाइम ऑफ अनदर एन्जॉयमेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर क्लासेस. सो बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक आई वॉन्ट टू टेल यू प्लीज कंप्लीट योर होम असाइनमेंट. इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी इंडिविजुअली. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई विल सॉल्व दैट. आई विल डेफिनेटली गिव यू एनी सोल्यूशन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, सो प्लीज कंप्लीट योर होम असाइनमेंट बाई विच आई कैन चेक योर होम असाइनमेंट बाई यूजिंग द गूगल मीट. आई विल गिव यू अ शेड्यूल, पर्टिकुलर शेड्यूल ऑन विच डे दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस गूगल मीट. So please be ready and I hope you will all do very well in an effective manner. So now we are going to start our next topic, that is viroids. Okay, a very important thing is about viroid is that it is a part of virus, or we can say it is made by a part of virus. As I have already mentioned in my previous videos that virus has two things. First is the genetic material and second is the protein coat. Okay, do cheezon se milkar bana hua hai genetic material, it may be DNA or RNA or protein coat. So if the genetic material is RNA, suppose, okay, then viroid is known as the infectious RNA agent. It means its structure has not anything. It has only an infectious RNA which transfer into the body of plant or animal and start to do the infection. T.O. Diener was the first scientist which have studied about this structure. It is smaller than a virus and it can cause many diseases in the plants. Basically, it does not infect the animals. There are only some cases in which it infects the animals, but in case of plant, it is very dangerous to them. And I am giving you a name of the disease, potato spindle disease, or you can say potato tuber spindle disease. Actually, if you have seen the potato, obviously you have seen that potato is known as tuber because it is made by the modified stem. And when normally the shape is like that, and when the structure of potato seems like a spindle, then it was confirmed that it is infected by a RNA, infectious RNA agent. It means it causes many type of diseases in many plants, and if these plants are taken by us, it may cause infection to our body also. Hamari body mein bhi infection kar sakte hain. Now there is another organism that is known as prion. It is actually is not present in your NCRT, but because I am going to discuss the viroid, so ye ek tarah se iski behan samjho aap isko, ki behan hai, ये भाई है, ये बहन है. तो बहन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. हम यहाँ केवल एनसीईआरटी नहीं फॉलो कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेडिकल लेवल क्वेश्चंस आल्सो, टर्म्स आल्सो. सो अब हमने आरएनए तो उसको दे दिया, अब क्या बचा? प्रोटीन. सो द इन्फेक्शियस प्रोटीन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज प्रियॉन. अब ऐसे ध्यान रखोगे कैसे? पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर प्रियॉन. तो कुछ ऐसे भी एजेंट्स हमारे एनवायरमेंट में, बहुत माइन्यूट एजेंट्स, माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स विच हैव ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन. वेन दिस इन्फेक्शियस प्रोटीन एंटर इन टू आर बॉडी और इन टू प्लांट बॉडी, इट मे कॉज इन्फेक्शन टू आर बॉडी. नाउ दीज आर वेरी सिंपल टर्म्स टू डिस्कस. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लाइकेन. एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे इसको लिचेन बोलते हैं. द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट. यू विल यूज द वर्ड लाइकेन. इट इज अ लाइकेन. नाउ टू वर्ड्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट. इट शोज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और म्यूचुअलिज्म. सेम थिंग इज देयर, सेम मीनिंग इज देयर, but two different names are given to this organism. Symbiotic or mutualism, samajhna ek dusre ko, ek dusre ki help karna.
सो दिस इज अ ऑर्गेनिज्म विच शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जो किसके बीच में शो करता है रिलेशनशिप को, एल्गी एंड फंजाई के बीच में. एल्गी इज गिविंग फूड टू द फंजाई, न्यूट्रिएंट्स टू द फंजाई. इन रिटर्न फंजाई इज गिविंग मिनरल्स एंड वाटर टू द एल्गी. मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं. सो द रिलेशनशिप इन विच बोथ आर बेनिफिटिंग टू ईच अदर, इट इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. एंड द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज लाइकेन. इन दिस लाइकेन द एल्गल पार्ट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड द फंगल पार्ट इज नोन एज माइकोबायोंट. फाइकोबर्ड इज यूज फॉर द एल्गी एंड माइकोबर्ड इज यूज फॉर द फंजाई. ठीक है, द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी. सो सिंपल वर्ड्स आर देयर. वेन एवर यू हैव स्टडीड दिस वर्ड फाइको, आप खुद से समझ जाना दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एल्गी. और वर्ड इज देयर माइको, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंजाई. ओके, सो दीज टू ऑर्गेनिजम्स आर देयर विच शोज द म्यूचुअल रिलेशनशिप, गिव बेनिफिट टू ईच अदर एंड कॉमनली दे मेक ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज लाइकेन. एक लाइकेन के बारे में बहुत खास बात है, इट इज नोन एज द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन. इसको हम पोल्यूशन का इंडिकेटर मानते हैं. क्यों मानते हैं भाई, ऐसा क्या है इसके अंदर? इट कांट ग्रो इन दोज एरियाज विच आर एयर पोल्यूटेड. ये ऐसे एरियाज में, ऐसे प्लांट्स पर जो उन एरियाज में प्रेजेंट हैं जहाँ पर बहुत पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, दे कांट ग्रो, वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं. बिकॉज द हार्मफुल गैसेज ऑफ एयर पोल्यूशन, द हार्मफुल गैसेज ऑफ एयर रिटार्ड देयर ग्रोथ, कैन नॉट अलाउ देम टू ग्रो, कैन नॉट गिव देम फेवरेबल कंडीशन बाय विच दे कैन ग्रो ऑन द ट्री ट्रंक, जिससे कि ट्री की स्टेम पर ग्रोथ कर सकें. सो दीज आर नोन एज द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन. इफ द एयर, इफ दे आर प्रेजेंट इन एनी एरिया, इट मीन्स इट इज द इंडिकेटर दैट एरिया इज, सॉरी, हैज नॉट द एयर पोल्यूशन कंडीशन. उस एरिया में एयर पोल्यूशन नहीं है. दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन. आई एम गिविंग द एग्जाम्पल्स, इफ यू गो टू द हिली एरियाज, आप कभी हिली एरियाज में जाएं, देन ऑब्जर्व द ट्री ट्रंक्स, जो मेन स्टेम होती हैं ट्री की, उनको आप ऑब्जर्व करें. इफ यू फाइंड दिस टाइप ऑफ इरेगुलर स्ट्रक्चर विच हैव सम डॉटेड लाइक ब्लैक स्ट्रक्चर, जो एक इस तरह की स्ट्रक्चर अगर आपको व्हाइट कलर की प्लांट पर बनी दिखे, देन आसानी से समझ जाना दैट इट इज अ लाइकेन, ये एक लाइकेन है. और अगर लाइकेन वहां पर ग्रो कर रहा है तो आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइकेन पॉल्यूशन में ग्रो नहीं कर सकता. ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट थर्ड टॉपिक. एक्चुअली इन दिस चैप्टर ओनली दीज थ्री टॉपिक्स आर रिमेनिंग, बट टू टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विच आर रिलेटेड टू दिस, सॉरी, दिस चैप्टर, जो उस चैप्टर से रिलेटेड है. बिकॉज इन द नेक्स्ट टू चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू किंगडम्स, हम दो किंगडम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज प्लांटी किंगडम एंड अनदर वन इज एनिमल किंगडम. ओके, दो किंगडम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इन दोनों किंगडम के कुछ हम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट फीचर इज दैट दीज आर ऑटोट्रॉपिक. ये कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, सम प्लांट्स आर देयर विच आर हेट्रोट्रॉपिक. अब आप कहेंगे मैम ऐसे कौन से प्लांट्स आ गए? जी हैं, बिल्कुल हैं. दो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर आपको, दो एग्जाम्पल दे रही हूँ. फर्स्ट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये पार्शली हेट्रोट्रॉपिक होते, नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरह नहीं होते ये हेट्रोट्रॉप, पार्शली होते हैं. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज कस्कूटा अमरबेल, दिस इज टोटल पैरासाइट, ये पूरी पैरासाइट होती है. ठीक है, दे हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है. दे हैव क्लोरोफिल ए और अदर पिगमेंट्स टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए. इट मीन्स दे कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन, ये अपना फूड खुद से बना सकते हैं. ठीक है, अदर दे हैव दे कैन फॉर्म गैमीट्स, बट इन सम ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव थैलस लाइक स्ट्रक्चर दे कैन नॉट फॉर्म द विजिबल गैमीट्स, दे कैन नॉट फॉर्म द बिग साइज ऑफ गैमीट्स. सो वी विल गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल टाइप ऑफ गैमीट्स इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो इन दिस कैटेगरी वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर टाइप ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट इज द एल्गी, सेकेंड इज द ब्रायोफाइट्स,
थर्ड इज टेरिडोफाइट्स, नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड द लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म. इट मीन्स इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल ऑल दीज टाइप ऑफ प्लांट्स. सारे तरह के प्लांट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है. एंड द सेकेंड इज एनिमल. ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स. सारे एनिमल्स कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स. दे कैन मेक, दे कांट मेक देयर फूड बाय देयर ओन. अपना फूड खुद नहीं बना सकते. सेल वॉल एब्सेंट. सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. दे फॉलो होलोजॉइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ये होलोजॉइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. इट मीन्स दे स्टार्ट फ्रॉम द इंजेशन एंड एड टू द इजेशन. इंजेशन से स्टार्ट करते हैं, इजेशन पर खत्म करते हैं. एंड दे शो द लिमिटेड ग्रोथ. दिस इज द मेन डिफरेंस विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर फर्स्ट. दैट प्लांट शो द अनलिमिटेड ग्रोथ बट द एनिमल शो द लिमिटेड ग्रोथ. सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेज बिटवीन दैम. वन मोर टॉपिक इज देयर विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर, बट मैं थोड़ा सा उसका एक डिस्क्रिप्शन आपको देती हूँ. हमारे पास एक टर्म है यहाँ पर, ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, ऑल्टरनेशन बार बार जेनरेशन का बदलना. अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ बहुत सीधा सा, जिससे आपको समझ में आएगा. हमारी बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड, 2n. ओके, अब हमारी बॉडी मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. मैंने कंसीडर कर लिया मेल फीमेल दोनों की तरह से. मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म, दैट इज हैप्लॉयड, क्योंकि मियोसिस हो जाएगी तो स्पर्म कैसे बनेंगे? हाफ हैप्लॉयड कंडीशन आ गई. और जो फीमेल ओवा बनाएंगी वो भी कैसे बनेंगे? एन हैप्लॉयड. इट मीन्स द अनदर कंडीशन इज देयर. दिस इज डिप्लॉयड कंडीशन, दिस इज हैप्लॉयड कंडीशन, ठीक है. अब एक मैं दो नए वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पर. डिप्लॉयड कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज स्पोरोफिटिक फेज. क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक. एंड द हैप्लॉयड कंडीशन इज नोन एज गैमेटोफिटिक फेज. आप ऐसे याद रखना, गैमेट्स होते हैं स्पर्म और ओवा. सो फॉर दिस स्टेज द वर्ड इज यूज गैमेटोफिटिक स्टेज. नाउ वेन द फर्टिलाइजेशन अकर, जब फर्टिलाइजेशन होता है, अगेन दिस स्टेज कम्स. दोनों फ्यूज करेंगे और फिर से क्या हो जाएगी? वही स्टेज आएगी. इट मीन्स हैप्लॉयड डिप्लॉयड कंडीशन आपस में चेंज होती रहती हैं. एंड दिस चेंज इन बिटवीन द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड कंडीशन इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. इस चेंज को क्या कहते हैं हम? ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. हाँ, डिफरेंस किस चीज में आता है? द डिफरेंस इज दैट द ड्यूरेशन ऑफ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड कंडीशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप, इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. जो ड्यूरेशन है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कंडीशन की, वो डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होती है. तो वो हम जब इनकी लाइफ साइकिल्स डिस्कस करेंगे तब बताएंगे कि किस प्लांट में कौन सी फेज ज्यादा टाइम के लिए रहती है. सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर सेकेंड चैप्टर. सो इन माई नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर, दैट इज किंगडम Planty. Till then, goodbye, have a beautiful day and be ready with your holiday homework. Thank you.